वेलकम बैक टू माय चैनल रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैंने ये केक कैसे बनाए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चॉकलेट केक का रेसिपी है और बिल्कुल एगलेस केक है, आप घर में बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए पहले मैं 3 कप दूध ले लूंगी और ये 240 ml का कप है, तो इस कप का 3 कप थोड़ा सा गर्म हल्का गर्म दूध है। ये इसमें मैं 3 कप चीनी ऐड करूंगी, ये थोड़ा फाइन शुगर है तो इसीलिए यहाँ पे मैं 3 कप पूरा भर के चीनी ले लिया। इसमें मैं 1 टीस्पून कॉफी ऐड कर दूंगी और तेल मैंने यहाँ पे 3/4 कप ले लिया है, 3/4 कप जो 1 कप से थोड़ा कम है, तो ये तेल भी इसमें ऐड कर देना है। सारे चीजों को मैं एक बीटर से अच्छे से बीट कर लूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस और ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून विनेगर, और ये बिल्कुल वेजिटेरियन केक है एगलेस। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लूंगी। इसमें ऐड करूंगी 3 कप मैदा, मैदा को हमें छान लेना है। इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप कोको पाउडर, 1 कप से थोड़ा 1/4 कप कम। साथ में ऐड करूंगी 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। इन सारे चीजों को भी छान लेना है और अब सारे चीजों को हल्के हाथों से मिला लेना है। यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा के और थोड़ा सा तेल से इसे ग्रीस कर दिया है। अब इस बैटर को इसके अंदर डाल देना है और ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब केक को इसके अंदर रख दिया है बेक होने के लिए। तो केक को मैंने 45 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है और ये मैंने चेक कर लिया था, देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है, मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं क्रीम के लिए तैयारी कर लूंगी। तो आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे कॉफी पाउडर ले लिया है, इसका मैं पाउडर बना लूंगी। ये चीनी और कॉफी का पाउडर है और इसमें मैं 3 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर दूंगी और इसमें मैं 1.5 कप व्हिप्ड क्रीम मिला लूंगी। इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लूंगी। तो इन सारे चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। अब आधा घंटे से ऊपर हो गया है, अब मैं क्रीम को बीट कर लूंगी। देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और इसके ऊपर का जो बटर पेपर है इसको मैं निकाल दूंगी और इसको हाफ कर लूंगी बीच में से ऐसे काट करके। तो 2 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा चीनी और पानी को मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है और शुगर सिरप ऊपर से इसको थोड़ा सा डाल दूंगी। इसके ऊपर एक लेयर क्रीम के लगा दूंगी, काफी मोटा लेयर मैंने क्रीम का लगा दिया है ऊपर से। इसके ऊपर ये जो केक का कटा हुआ पोर्शन है इसको डाल दूंगी। इसको भी शुगर सिरप से पूरा अच्छे से गीला कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा मॉइस्ट रहेगा केक और बहुत ही टेस्टी बनेगा।
फिर ऊपर से क्रीम लगा देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से केक को कवर कर दिया है और साइड से भी पूरा कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना देना है। तो ये डिजाइन कर दिया है और इसके ऊपर से मैं एक एक चेरी जैम का छोटा छोटा पोर्शन काट के और इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये मैंने पूरा ऊपर से भी जैम लगा दिया है और थोड़ा सा डेयरी मिल्क का चॉकलेट मैंने ग्रेट कर लिया है और इसके ऊपर से ऐसे इसको डाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा चॉकलेट और काट करके ऊपर से डाल दिया है। तो ये केक बिल्कुल रेडी है और घर में ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक देना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिएगा तो मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।